अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं फेज़ महल की सैर कर रहे हैं। फेज़ महल ये वाकई महल है। तो आज हमारा प्रोग्राम बना था, आज परमिशन ली थी मैंने फेज़ महल में जाने की, तो परमिशन अल्हम्दुलिल्लाह से मिल गई है। तो आज जाएंगे फेज़ महल और आप लोगों को दिखाते हैं कि महल जो है वाकई में महल, जो कि यहाँ की क्योंकि खैरपुर पहले एक रियासत थी, मीर ज़ाइनस लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा, तो उनके आल औलाद और वो यहाँ पे इस महल में रहते हैं। मतलब ये महल आबाद है, यहाँ पे फैमिली रहती है। तो आज आप लोगों को महल की सैर कराएंगे। फैज़ महल में हम लोग आ गए हैं। दरअसल अंदर फैमिलीज़ हैं, तो उन्होंने मुझे हमें कहा है कि आप फ़िलहाल बाहर राउंड लगाएं, इतने फैमिलीज़ निकल जाएंगी, तो फिर मैं आपको अंदर जाकर दिखा रहा हूँ। आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा फैज़ महल, तो ये अंदर से जाके दिखाते हैं आपको। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत मज़ा आएगा। देखें जी, ये गेट है जहाँ जो पहले ये यहाँ के जो महाराजा थे वो इसको इस्तेमाल करते थे। ये गेट उन्होंने बंद किया हुआ है फ़िलहाल, तो ये बिल्कुल रोड पे निकलता है ये गेट, लेकिन जो विजिटर्स की एंट्रेंस है वो बैक साइड से है। तो ये गेट ऐसे निकल के सीधा ये रोड के साथ साथ ही टर्फ टाइल्स लगी हुई हैं और सीधा महल की तरफ जाता है। इंतहाई खूबसूरत मंजर है और मतलब बहुत ज़बरदस्त है। इधर खड़े होके मैं भी अपने आप को जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इधर खड़े होने के बाद कि जैसे मैं ख़ुद भी बादशाह हूँ। खैर मैं बादशाह नहीं हूँ, जोक्स अपार्ट, ये ज़बरदस्त जगह है, ये देखें। ये देखें जी, यहाँ की ये ओरिजिनल तस्वीर, ये बीच में मीर तारापुर साहब बैठे हैं और ये पूरी उनकी फैमिली, यहीं के अंदर की वीडियो फोटो है ये। ये शेर की खाल है, ये एसटी शेर की खाल है। ये देखें जी, झूला है इनका। ये नोट, पिंगे ते बैठना बैठण मना आहे, टू वोंट सिट ऑन क्रेडल। ज़बरदस्त, क्या बात है। साथ हम चलते हैं इस कमरे में, मेरे ख्याल डाइनिंग रूम है। वाह, मेरे ख्याल से यहाँ पर टेबल टॉक्स हुआ करती होंगी। शानदार काम हुआ है ऊपर, कमाल कारीगरी। ये इनको देखा हुआ है, इनको कभी आप ये उस वक्त के न्यूज़पेपर मेरे ख्याल से रॉयल बेबी बॉर्न एट ब्रिक्टन। ये देखें जी, ये खान तारापुर साहब का लेटर है, हिज हाइनेस मीर जॉर्ज अली मुराद खान तारापुर मीर ऑफ खैरपुर। ये माउंट बैटन के सख्त दस्तखर हुए हैं, लॉर्ड माउंट बैटन का आपने नाम सुना होगा। ये लॉर्ड माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन लिखा हुआ ना, माउंट बैटन। ये अंदर, अच्छा ये मैगजीन्स के वो हैं कटआउट्स है। ज़ाइनस सरकार, मीर फैज़, मोहम्मद खान तारापुर के आदे हुकूमत,
1892 to 1909 में खैरपुर शाही ख़ानदान के 3 नस्लों के लिए ये तस्वीर। अच्छा बेटा बाप दादा ऐसा होगा ना। हाँ, इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी आप सबने सुना होगा, इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये सिविल लिस्ट। अच्छा ये जगह की आपको पता होगी, ये है कोट डीजी फोर्ट, इसको भी मैं कभी कवर करूँगा, ये भी यहीं से करीब है। ये लियाकत अली खान ये द फादर डॉक्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर 23 मार्च। ये उस वक्त के नोट है मेरे ख्याल से, करेंसी देखो ये 5 रुपीज, ये इन पे इनका शक्ल बनी हुई देखो, अभी के जो करंट है मीर ज़ाइनस ब्लू वाली में, वो मीर नाज है ब्लू वाले। ये यहाँ का इकॉनमी मेरे ख्याल से है ना खैरपुर का और पाकिस्तान का, ये खैरपुर देखें ऊपर और ये पाकिस्तान कहाँ नीचे है, और ये 1948 से शुरू होके 1955 तक का पूरा चार्ट है। ये ऊपर लिखा हुआ है रियासत पाकिस्तान के मुकाबले में खैरपुर की शरह आमदनी में इजाफा का चार्ट। अच्छा इसके नीचे है पाकिस्तान के मुकाबले में खैरपुर का अपनी अवामी तालीम पर फी किस खर्चा, पाकिस्तान का 0% और ये इनका 6000 से अबव जा रहा है परसेंट रियासत की बजट में तालीम का हिस्सा। मतलब ये खैरपुर काफ़ी पढ़े लिखे लोग और उन्होंने अपनी अवाम के ऊपर काफ़ी खर्च किया होगा पैसा। ये शेडेड तस्वीरें अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो तो ये भी एक आर्ट है। हाँ भाई देखा फिर आप लोगों ने, देखा हमसे पहले लोग किस तरह रहते थे, और ये मतलब महाराजा मेरे ख्याल से आज के जो अच्छे खासे अमीर लोग हैं ना वो भी इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारते होंगे जो ज़िंदगी ये लोग पहले अपने वक्तों में गुजार चुके हैं। खैर आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा, आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला फिर किसी और दिन, तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके टाटा अल्लाह हाफिज़।